अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको नाफ की प्रॉब्लम रहती है तो आप किस तरीके से घर बैठे बगैर किसी हेल्प के, बगैर मेडिसिन के, किस तरीके से आप जो है उसको फिक्स कर सकते हैं। तो हम योगा प्रैक्टिसेस की तरफ चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीम योगा, दिस इज़ मी अज़ीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो हम बात कर रहे थे हाउ एक्चुअली वी कैन फिक्स द नोवल डिस्प्लेसमेंट एट होम विद नो मेडिसिन, विद नो अदर्स हेल्प। तो हमने जो है ना चार आसन हम करेंगे, जिस सीक्वेंस से हम आसन परफॉर्म करेंगे आपने उसी सीक्वेंस से आसन को परफॉर्म करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद अ कपल ऑफ डेज जो है आपको आपकी नाफ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरे स्टामक डिसऑर्डर भी होंगे तो वो भी आपको नहीं रहेंगे। तो पहले हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उत्तान पदासन, उसका नाम है। हम क्या करेंगे, जैसे बोट होती है, कश्ती होती है, उस तरह की शेप बनेगी, उसमें आप लेट जाएंगे स्ट्रेट, ठीक है जी। फिर आप क्या करेंगे, आपने लेग्स को स्ट्रेट करना है तकरीबन 6 इंचेस तक, और 6 इंचेस जो है ना आपके कंधे स्ट्रेट रहेंगे, और आपने इस तरह से हाथ रखना है। वो लोग जिनके बैली फैट का भी इशू है, दिस इज़ वेरी सॉलिड पोजीशन, जब आप ये करेंगे परफॉर्म करेंगे तब आपको फील होगा इवन योर बॉडी वाइब्रेट, जो जब वाइब्रेशन करेगी वो दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ। आपने इसी पोजिशन में यू कैन होल्ड इट अप टू 30 सेकेंड, लेकिन अगर आपको स्टार्ट में प्रॉब्लम हो तो आप इसको 5 सेकेंड 10 सेकेंड परफॉर्म कर सकते हैं विद अ कपल ऑफ टाइम, बाय प्रैक्टिस आप जो है उसको अचीव कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल स्लोली स्लोली आपने इसको ज़मीन पे रखना है, और कुछ सेकेंड जो है आप इसके बाद जो है तकरीबन 15 सेकेंड बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ के, जैसे शवासना होता है उसमें लेट सकते हैं, लंबे गहरे सांस ले सकते हैं, नाक से सांस लेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल, वेरी नाइस। हर पोज के बाद आप जो है 10 to 15 सेकेंड जो है वो रेस्ट कीजिएगा, देन आप जो है वो नेक्स्ट पोज की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पोज की तरफ चलते हैं। अच्छा, सेकेंड जो है वो हम परफॉर्म करेंगे धनुरासन को, उसमें आपने इस तरह से लेट जाना है, इस तरह से उल्टा आप लेट जाएं इस तरह से। अब आपने कंधे भी उठाए रखने हैं, और आपने वन बाय वन लेफ़्ट जो है वो लेग पकड़नी है लेफ़्ट आर्म से, और राइट से राइट आपने इस तरह से करना है कि आपका वेट जो है वो सारा स्टमक पे आ जाए, ठीक है। अगर आप इतना ना भी कर सके, जहाँ तक कर सके, आपके मसल जैसे एक्टिव होंगे इसका मतलब है कि यू आर डूइंग ग्रेट। जिस तरह मैंने लेग्स को भी पूरा पुल किया हुआ है, और हमारा जो है वो चेस्ट भी अप है, सिर्फ जो है तमाम प्रेशर और वेट आ रहा है वो है जी आपके टमी पे। तो आप इसको भी सेम 30 सेकेंड तक परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आपसे 30 सेकेंड ना भी हो, जितना आपसे हो आप उतना परफॉर्म करके बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। इसी पोजीशन में आपने लंबे गहरे सांस लेने होंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे, सेम आपकी टमी पे, बैली बटन पे आपकी वाइब्रेशन होगी, इसी से फील होगा कि आप एक्चुअल जो है वो सही पोजीशन कर रहे हैं। बिल्कुल स्लो स्लो आपने लेग्स को ज़मीन पर रखना है इस तरीके से, हाथ यहाँ रख ले, और कुछ सेकंड जो है फॉर द रिलैक्सेशन आप जो है वो लेफ़्ट एंड राइट हल्के हल्के लेग्स को मूव कर सकते हैं, इस तरह से नीचे ऊपर लेग्स को मूव कर सकते हैं, सो यूल फील बेटर एंड यूल फील फाइन, ठीक हो गया। अब हम थर्ड आसन की तरफ मूव करते हैं। आपने क्या करना है, बहुत फेमस आसन है जिसके आपकी नाफ के तो बेनिफिट होगा, इसके अलावा जो है आपकी आंखों की बिनाई से लेके, आपकी जो है याददाश्त से लेके, आपकी बॉडी अलाइनमेंट से, डायबिटीज़ के, कोलेस्ट्रॉल के जो है ना पेशेंट्स को कर सकते हैं। बहुत लोग जिनको नीज़ का इशू रहता है, आर्म का इशू रहता है, वो भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपने इस तरह से लेट जाना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने हाथ यहाँ पे रखने हैं इस तरह से, तकरीबन शोल्डर के पास इस तरह से हाथ रखने हैं, हाथ पीछे की तरफ होंगे, ठीक है जी। और आपने एक पुश देते हुए इस तरह से अपनी बॉडी को उठा के रखना है, ठीक है जी। इस पोजीशन में थोड़ा सा बोलना मुश्किल है, आप इस पोजीशन में रह सकते हैं अबाउट 30 सेकेंड, दिस इज़ इवन गुड फॉर योर बैक एज वेल। बिल्कुल स्लोली स्लोली जो है आप ज़मीन पे आ जाएंगे,
and then get relaxed. Body ko dheela chhod de. Straight leg ke lambe gehre saans le, inhale kare naak se. Exhale, inhale kare. Exhale, very nice. One more time, inhale. Exhale, inhale. Exhale, very nice. Last pe hum jo hai wo perform karenge matsya asan jo humne pehle bhi discuss kiya tha, jo ki aapke females ke jo issues hote hain, jo menstrual issues hain, hormonal imbalance hai, uske liye bahut behtar hai, wo isko perform kar sakti hain. Aur stomach jitne disorder hain, kuch log gastric ka issue hota hai, isme aapne padmasan mein aana hai. Right leg maine yahan pe rakh di, left leg maine utha ke yahan pe rakh di, theek hai, is shape mein aa jayega. Aapne thoda sa kohniyon ka sahara lete hue is tarah se aapne pehle let jana hai. ठीक हो गया, देन कोहनियों का सहारा या ऐसे लेना है और गर्दन को यहाँ प्लेस करना है. राइट हैंड जो होगा उससे आपने लेफ्ट वाले के थंब को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से आपने राइट वाली लेग का थंब पकड़ना है, और इसी पोजीशन में आप जो है वो फॉर अबाउट 30 सेकंड परफॉर्म कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी सॉलिड. कुछ लोग जिनका फील होता है कि उनके फेस का, उनकी बॉडी का रंग पीला है, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है. ठीक है, आपका कलर बेहतरीन हो जाएगा, अच्छी ब्लड सर्कुलेशन हो जाएंगी. दिस इज़ इवन गुड फॉर द बैली फैट एज वेल. किसी किस्म की आपको स्टमक डिसऑर्डर है नाफ का, तो बिल्कुल उसका इलाज हो जाएगा. कुछ 30 सेकेंड आप इसी पोजिशन में रह सकते हैं, देन आपने अगेन कोहनियों का सहारा लेते हुए स्ट्रेट लेट गए, और वन बाई वन आपने इस तरह से लेग को ओपन करके आप शवासना की जो है पोज में आ जाएगा. बिल्कुल स्ट्रेट आपने लेट जाना है, 2 to 3 feet का इन बिटवीन योर लेग्स जो है आपने डिस्टेंस रखना है. बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, जैसे आपकी समझ लीजिए जैसे लाश होती है, बिल्कुल ना हिले कि बॉडी रहे पोजिशन पे रहे. सांस लेते रहे नाक से, सांस लें तो आपने पेट को ब्लो करना है, एक्सहेल करते हुए नॉर्मल पोजिशन पर आ जाए. बिल्कुल कंधे आपके है बिल्कुल ढीली हो, पाँव बिल्कुल ढीले हों, और कमर जो है वो ज़मीन पर टच हो रही हो, तब फील होगा कि आप जो है वो एक्चुअली सही पोजीशन में आए. इस पोजीशन को आप जो है वो अप टू 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर आप चाहें आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं. आपको बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करेगा, और ये याददाश्त के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है. वो लोग जिनको OCD का इशू होता है, एनजाइटी, पैनिक अटैक का इशू होता है, उनको ये एक्सरसाइज करवाई जाते हैं. बिल्कुल स्लोली स्लोली उसके बाद जो है वो आप इस तरफ आएँ, हाथ का सहारा लेते हुए आप इस तरह से उठ के बैठ सकते हैं. तो अब इन योगा पोज को ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा. आई एम श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनको भी नोवल डिस्प्लेसमेंट का, नाफ का इशू है, ताकि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.